सिर्फ 5 मिनट इसे लगा लीजिए, आपके काले घुटने, आपकी काली कोहनियाँ, आपके काले हाथ, चेहरे को छोड़कर आपके शरीर पर जहाँ भी कालापन है, आपकी चाहे गर्दन बहुत ज्यादा काली है जो बिल्कुल साफ नहीं हो रही है, तो वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई करके उस चीज से छुटकारा यानी कालेपन से छुटकारा पा सकते हैं। ये आपकी स्किन की सारी डेड लेयर को निकाल देगा, आपकी स्किन को एकदम से व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा, इंस्टेंट रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा, बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए जान लेते हैं इसको बनाना कैसे है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कांच का खाली बाउल ले लीजिए, उसमें आप एक इनू का पाउच ऐड कर लीजिए। इनू आपने नॉर्मल लेमन फ्लेवर वाला लेना है जैसा आप देख पा रहे हैं, और इसमें उस पूरे पाउच को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल जो आपकी स्किन को स्मूथ और सफल बनाता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या करता है, आपकी जितनी भी स्किन में मैल जमी हुई है, काली परत जमी हुई है, उसको काटता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच व्हाइट कोलगेट। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस पेस्ट को अपनी काली गर्दन जो आपकी एकदम काली पड़ चुकी है, बहुत कुछ अप्लाई करके थक चुके हैं, वहां पर आप इसको अप्लाई करिए और ब्रश की सहायता से हल्के हल्के से उसको रब करिए, बहुत ही हल्के हाथों से। या अगर आपकी पैरों की उंगलियां या फिर घुटने बहुत ज्यादा काले हैं या कोहनियां बहुत ज्यादा काली हैं, वहां पर आप इसको धीरे धीरे रब करते जाइए। रब करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आप इसको अगर 2 से 3 मिनट तक रब करेंगे, उसके बाद आप ठंडे पानी से वॉश करेंगे तो आपको खुद डिफरेंस फील हो जाएगा। डिफरेंस फील करने के लिए एक कोहनी पर आप इसको लगाएं और दूसरी कोहनी एज इट इज रहने दें, फिर आपको दिखेगा डिफरेंस कि कितना ज्यादा आपकी स्किन पर व्हाइटनिंग इफेक्ट आया है। लेकिन इस रेमेडी को आपको गलती से भी अपने फेस पर अप्लाई नहीं करना, और इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ आपने एक बार करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद आप अपने पूरे स्किन पर जहाँ पे आपने इसको अप्लाई करा है वहाँ पे आप नारियल तेल से मसाज कर लें हल्के हाथों से। अगर नारियल तेल ना हो तो बादाम के तेल से भी मसाज कर सकते हैं ताकि आपकी स्किन ड्राई ना हो। आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्किन एकदम साफ हो गई है और स्मूथ बन गई है। तो चलिए ऐसी कुछ बेहतरीन देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। आपको मेरा आज का रेमेडी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।